मीनू किचन एंड गार्डन जोन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर, और एक बहुत ही प्यारे से प्लांट के ऊपर ये वीडियो है, जिस प्लांट का नाम है रात की रानी। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि ये रात की रानी है, तो जो इसके जो फ्लावर होते हैं वो रात में खिलते हैं और सुबह में गिर जाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम रात की रानी है। और रात के समय इस प्लांट में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इसीलिए इसका नाम रात की रानी कहा जाता है। क्योंकि और कोई भी बहुत रेयर ही प्लांट होते हैं जिसमें रात के समय खुशबू आती है, क्योंकि रात की रानी जो प्लांट है इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू रात के समय आती है, इसीलिए इसे रात की रानी कहा जाता है। और दोस्तों, जहाँ पर इसकी सॉइल की बात कर लें तो फिर इसको बहुत ही रिच सॉइल पसंद होती है, क्योंकि ये फ्लावरिंग भी भरपूर करता है। बहुत ही गुच्छों में, बंच में इस पर फ्लावर आते हैं, आते छोटे छोटे फ्लावर आते हैं पर बंच में आते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बंच पे इस पर फ्लावर आते हैं छोटे छोटे से, और इसीलिए इसकी जो सॉइल होती है उस वो आप इसे मिट्टी बहुत ही रिच पसंद है। इसकी मिट्टी में आप प्रॉपर तरीके से अच्छी खाद दीजिए ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग कर पाए। मैं जो इसकी केयर करती हूँ और जो इसकी मिट्टी में देती हूँ, वो मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट अच्छी मात्रा में डालती हूँ इसकी गुड़ाई करके, ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग कर पाए। तो वो मैं इसकी मिट्टी में देती हूँ। तो अगर आप भी ऐसी ही फ्लावरिंग और ऐसे ही बंच में इस पे फूल चाहते हैं तो, और आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करे, उसके लिए इसमें खाद की मात्रा इसकी सॉइल में थोड़ी ज़्यादा रखिए ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग कर पाए। बाकी दोस्तों, इसके बारे में धूप की बात कर लेते हैं। तो धूप दोस्तों इसको बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद है, पर बहुत ज़्यादा मई जून की जो तपती धूप होती है उससे आप इसको बचा के रखिएगा, क्योंकि जो मई जून की धूप होती है उसमें इसके पत्ते झुलस जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इसे बहुत ज़्यादा तपती धूप नहीं पसंद है, और बहुत तेज़ जो धूप होती है वो इसको नहीं पसंद है, तो इसे उससे बचा कर रखिए। मई जून में कोशिश कीजिए कि जो बहुत तेज़ धूप होती है उसमें आप इसको शेडी एरिया में ले आइए, वहाँ पर आप इसे रखिए ताकि इसे थोड़ी कम धूप मिले। और बाकी दोस्तों, इसके फ्लावरिंग की जहाँ बात कर लें, तो इसके जो फ्लावर आना स्टार्ट होते हैं वो फरवरी के बाद से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अभी मार्च चल रहा है, तो देखिए आप कितने अच्छे से इस पर फ्लावरिंग हो रखी है, कितने बंच पे इसकी हर डाल पर फूल आए हुए हैं, बहुत ही गुच्छों में इस पर फूल आए हुए हैं। नीचे तक मेरी जो इस प्लांट की डाल है, कोई भी इसकी डाल खाली नहीं है, सब पर ही फूल आए हुए हैं पूरे तरीके से। मैं आपको ये देखिए दिखा देती हूँ, हर तरफ इसके इस प्लांट पर फ्लावर आए हुए हैं। और अभी मैं नाइट के समय इसकी वीडियो बना रही हूँ, तो नाइट में मैं इसके पास खड़ी हूँ, तो बहुत ही अच्छी खुशबू इस प्लांट से आ रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छी महक इस प्लांट की आती है जो बहुत ही अच्छी लगती है। और जो आपका पूरा जो बगीचा होता है वो इसके खुशबू से महक उठता है। तो आप ज़रूर इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल कीजिए ताकि आपका भी बगीचा महक उठे। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है दोस्तों, कटिंग से भी ये लग जाता है। आप इसकी जो कटिंग है वो इसकी कोई भी डाल साइड से कट करके आप उसको कुछ दिन पानी में रखिए, और जब उसकी हल्की हल्की रूट्स निकल जाए तो आप इसको मिट्टी में शाम के समय लगाइए अच्छे से खाद देकर, तो ये कटिंग से लग जाने वाला बहुत ही प्यारा पौधा है दोस्तों, आप इसे ज़रूर लाइएगा। और दूसरा दोस्तों, इस पौधे को अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो ये 10 से 12 फुट तक लंबा चला जाता है, और अगर आप इसे गमले में लगाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको बुशी बनाकर ही रखिए,
जब इसके फ्लावर झड़ जाएं, और तो आप इसकी पिंचिंग कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, ये थोड़ा बुशी बना रहेगा और ज़्यादा हाइट नहीं लेगा। वैसे तो गमले में इसकी हाइट उतनी नहीं होगी, पर फिर भी अगर ये बुशी रहेगा तो साइड से जो इसकी कलियाँ निकलेंगी, पत्तियाँ निकलेंगी, उस पर अच्छी अच्छी सी कलियाँ आएंगी और फ्लावर खिलेंगे और गमले में अच्छा लगेगा। लेकिन अगर ज़मीन में है तो फिर ये 10 से 12 फुट की हाइट ले लेता है, बहुत ज़्यादा फैलता है और बहुत बड़ा सा पेड़ बन जाता है। और दोस्तों, अगर मैं इसके पानी के बारे में बात करूं, तो पानी जहां तक इसको देना है, वो इसको डेली आपको पानी देना है, क्योंकि गर्मियों का प्लांट होता है ये। विंटर में ये डोरमेसी में चला जाता है, तभी ये फ्लावरिंग नहीं करता है। दिसंबर से लेकर और ये फैब तक ये फ्लावरिंग नहीं करता है, ये डोरमेसी में रहता है। तो तब इसको पानी कम दीजिएगा, बाकी इसको समर में डेली पानी की ज़रूरत पड़ती है। और एक दिन भी अगर आप इसको पानी कम देंगे, मिट्टी सूख जाएगी, तो फिर इसके जो डालियां होती हैं वो झुक जाती हैं, इसके पत्ते बहुत ही झुके झुके से हो जाते हैं, एकदम डल हो जाता है ये। तो इसका जहाँ तक पानी की बात करें, तो आप इसको डेली इसकी वाटरिंग करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है आपने, अगर नवंबर का मंथ है या दिसंबर का मंथ है तो, क्योंकि ज़्यादा अगर आप वाटरिंग करेंगे तो पौधा ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्लांट के बारे में जितनी भी जानकारी मैं आपको दे सकती थी मैंने दी। आपको कैसा लगा दोस्तों, और इस प्लांट के बारे में जानकर आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं और ऐसी ही जानकारी आपको दे सकूं। थैंक यू।